हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अनुरंग डीम एफएफ। तो आज मैं फ्री फायर लेके आ गया हूँ और मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मैं जब हीरोइक में हूँ तो क्लैश स्क्वाड में, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, तो मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 19 स्टार तक गया था और उसके बाद अचानक, मतलब 3 दिन में हुआ था ये। दूसरे दिन खोला ठीक था, 19 स्टार में था, मैं खेल नहीं रहा था क्लैश स्क्वाड। मैं रैंक खेल रहा था BR रैंक। तो उसके बाद जब तीसरे दिन में मैंने गेम खोला, अचानक से दिख रहा हूँ कि मेरा 6 स्टार में आ गया मेरा जो हीरोइक है। तो अभी मैं अब वापस से खेलने जा रहा हूँ, तो देखते रहो, एंजॉय करते रहो मेरा गेम प्ले। तो कैसा लगेगा ज़रूर बताना। और यहाँ पर पहले राउंड स्टार्ट होते ही मैंने ले लिया M500 और वो काम मेरा बहुत घटिया और बुरा काम था कि मैंने M500 ले लिया। मैं अच्छा हेडशॉट मार पाता हूँ, पर मैंने सोच नहीं पाया था इतना बुरा तरीके से मैं हारूँगा ये फर्स्ट राउंड। तो हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट राउंड हारा तो बाकी सब भी हार जाएगा, उम्मीद है। नहीं भाई, पूरा ऑपोजिट हो गया था मेरा, तो पूरा होके चला गया था। फर्स्ट राउंड हार गया, क्या हो गया था, क्या होगा अभी। तो मैंने वेट किया, अच्छे से खेला, तो इन्जॉय कर गेम प्ले को। देखते रहो कि मैं क्या क्या करता हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर लिया, ये एकदम सामने का पर मैंने देख सोचा भी नहीं था। पूरे 3 दिन एक साथ मेरे गिफ्ट पर है और भाई हो गया मैं लॉक। 3 दिन अगर एक साथ किसी के ऊपर चले गए तो लॉक ही ज़रूर होगा। और सबके सब जी टीम लगे थे, मैं एक अकेला M500 लेके था, इजी में मरता हूँ वहाँ पर। मैं मेरे पास रिवॉल्वर भी नहीं था, मैं कवर ले पाऊँ। और ये वाला देखो कितना ये मुक्के से मारना चाहता था, एक कटाने से ही मार रहा है स्टेज। और यहाँ पर एक चीज भी बहुत गलत, मतलब बुरा पट्टी ऐसा काम कर दिया, ये मर गया। तो अभी सेकेंड राउंड में ये फर्स्ट राउंड में अगर हार जाता हूँ, और M500 लेके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, वो मैंने पहले ही बोल दिया था। अभी वापस से मेरे लिए डेजर्ट ईगल, पर इस बार में मैं मर भी जाता हूँ पर मैं जीत भी जाता हूँ, मतलब मेरे मरने का पता, मैं जीत ही जाता। तो एक को मैंने पीक से मारा था, वो पीक शॉट देखने के कितना अच्छा पीक शॉट था। और यहाँ पर अभी खोला नहीं था, मैं थोड़ा मूवमेंट दिख रहा था बॉट की तरह। तो आप लोगों को कैसे लगेगा मूवमेंट करके बताना। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर मैं ये वेस्ट करता था ग्लोवस उसके, मतलब मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ और उसके बाद भाई टाइमर ख़त्म हो जाता है, जोन भी ख़त्म, और एक ग्लोवल मेरे बैठ जाता, मेरा ग्लोवल वेस्ट हो जाता। बहुत बार ये हुआ था और इस वाले में मेरा हेड नहीं लगा था, मैंने फटाफट इसको रिवाइव देना। मैं सोच रहा था भाई यहाँ से अगर कोई आ गया तो फिर मेरा हो जाएगा हाल ख़राब। और उसको अचानक से देखा वहाँ पर कोई आ गया। अभी मैं सोच रहा था यार मैं तो 3 जन से पूरा फंस गया हूँ, और साइड ने उस सामने वाले साइड को मेरा एकदम साइड दिखा रहा था, तो मैं इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। ये देखो पीक शॉट वो वाला एकदम पैर में मारा गया ये। मैंने जय माता दी का नाम लेकर भाई फटाफट चला गया वहाँ पर, और मैं ओरियन हो गया। और होने के बाद भी इसको मैंने डैमेज दिया पर मैं मर गया उल्टा। और मैंने स्टील को फटाफट, मतलब ऐसे ही बोलकर फटाफट मेरा माइक ऑफ था, और भाई अचानक से मैं जीत गया। हम लोग जीत गए, मतलब वो आया उस वाले को मारा, वो ही लगता था लास्ट बचा था, तो उसने मार दिया और भाई हम लोग जीत गए। और दूसरे राउंड में मैंने पैराफॉल लिया था, क्योंकि मैं पैराफॉल बहुत अच्छा चलाता हूँ और मेरे हेड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं पैराफॉल को लेके। तो देखते रहो भाई क्या, मतलब इस वाले राउंड में और दूसरे वाले राउंड में भी मेरा हेड नहीं लगा था, पर लास्ट वाले राउंड में स्टार्टिंग में धराधर हेड लगे दो। और भाई एनिमी वहाँ पर ही नॉक हो गया, मैंने उसके बाद जाकर उस वाले को वेट से मतलब डबल बैरल से नॉक कर दिया था। तो अभी बस देखते जाओ क्या करो, क्या होता है, मतलब क्या कैसे खेलता हूँ। और ये जिस साइड में अभी मैं खेल रहा हूँ, अनुरंग लिखा है, नंबर 1 में मैं हूँ। और भाई ये वाला ID मैं 2017 या 18 पे खोला था, फर्स्ट ID था ये मेरा, सत्रह नहीं 18 में ही था। उसका पहले भी 2-3 ID थे मेरे, और पता नहीं क्या हो गया, 2-3 ID मैंने क्या कर दिए। और देखो ये ऑक्सीस वाले को डैमेज था, उसके बाद सेकंड टाइम डैमेज में मर गया, पर थर्ड इसके बाद जिसको मारा मैंने उसको देखो भाई डैमेज दिया, अचानक से नॉक हो गया पता नहीं कैसे। और कैसा स्किल था, ऑडियन का स्किल था या क्या था पता नहीं क्या हुआ, इस वाले को भी मार दिया। ट्रिपल किल के साथ विनर, मतलब विक्ट्री हो गया। और मेरे चैनल में पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी के भी वीडियोस आने वाले हैं, वो कमिंग सून है। अभी ज़्यादातर फ्री फायर के ही आएंगे। यहाँ पर मैंने ओक के जगह अपने डबल बैरल को ले लिया, तो इस वाले में भी मेरा हेड नहीं लगा था, मैंने पहले ही बोला था थर्ड राउंड में।
तो ये वाला राउंड हम लोग जीत गए थे, तो देखते जाओ भाई। यहाँ पर सामने मेरा एक बंदा देखा मैंने, मैंने सोचा कि भाई बोन में हूँ, मतलब ये एक हड्डी में, एक बड़े हड्डी में मैं उठ जाता हूँ। वहाँ पर मैंने एक एनिमी भी देखा, मैंने उसको मारने की कोशिश करते हुए देखते हो कि भाई उसने ग्लू वॉल लेप दिया है। और भाई सामने ये जा रहा था, स्टील जा रहा था, स्टील जगह पता नहीं अटैक किया था और ये अचानक से नॉक हो गया। मैंने इसको बचाने किया और मैंने ग्लू वॉल जब लेपा वहाँ पर लग गया और मेरा एक ग्लू वॉल वेस्ट भी हो जाता। और मैं घबराहट की वजह से मैं यहाँ पर आ गया और वो स्टील मर जाता है उस टाइम पे ही। मैं इसको रिवाइव देने की कोशिश करता हूँ, हाँ रिवाइव सक्सेसफुल हो भी जाता है। उसको मारने को और देखता हूँ, उसको मारने की कोशिश करता हूँ, वो मर जाता है। तो अपोनेंट टीम को, इस वाले को मैं मार देता हूँ पैराफॉल से। अभी ये ऊपर की साइड जाएगा क्रोजा से, ये भी नॉक हो जाएगा, मर भी जाएगा नॉक होके। तो मैं 1v1 होगा, ये शॉट बहुत ही शॉर्ट 1v1 है। मैंने ऑडियंस किल ले लिया, सामने आया, 5-5 का डैमेज फटाफट मार दिया, हो गया। ये मर नहीं पाया क्योंकि मैं टाइम पे मार दिया इसको, इसने भी रश कर दिया और इसने लगता है मुझे देखा नहीं था, तो उसने सोचा कि ये भाई हॉरिजन से हो गया है रिवाइव। तो यार अच्छा रश कर दिया, मुझे देखा ही नहीं था इन लोगों ने। तो यहाँ पर मैं हेलमेट्स और वेस्ट को पर मैक्स कर लेता हूँ। अभी देख ये इसी राउंड में मेरे स्टार्टिंग में धराधर दो हेड लगे थे, तो देखते जाओ क्या होता है। आप लोगों ने देखा मैं अभी ये ब्राज़ीलियन मूवमेंट कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। पर ये स्क्रीन में जब फेयरली दिखता है ना तब थोड़ा बुरा लगता, मतलब गंदा सा लगता है। पर पीसी में जब क्लीनली होता है ना, मैं यहाँ पर यहाँ से उठने की कोशिश करता हूँ पर मैं अचानक से आता है कि भाई यहाँ से तो उठ नहीं सकते। यहाँ पर मैंने देखो देखा थक हेडशॉट पैराफॉल से, और मेरा पैराफॉल का बहुत। और मैं ना एक काम करता हूँ, एक चीज़ करता हूँ, चूँकि एनिमी के मूवमेंट को मैच करके मैं उसके साइड हेडशॉट मतलब हेड चलाता हूँ, हेड शॉट मारने का कोशिश करता हूँ। जो मतलब जा रहा है वो राइट साइड में दौड़ रहा है मेरे साइड वेज में, तो मैंने क्या किया राइट साइड में साइड वेज में वो मतलब खींच दिया और भाई मार वो उसका हेड भी लग जाएगा, धराधर दो हेड लग जाएंगे। तो ये मैं ज़्यादातर करता हूँ ये ट्रेनिंग में। और भाई यहाँ पर इसने ये सभारिफ ने अचानक से नॉक कर दिया दोनों को, और यहाँ पर ये आता है, मैंने फटाफट इसके करीब ले गया और मैं नॉक ही होने वाला था तभी इसको मार रहा, बूम, एक लेजेंडरी बुइया हेडवेक के मोड के साथ। यहाँ पर इस लेजेंडरी बुइया के साथ ख़त्म होता है मेरा वीडियो। बोई थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट व्लॉग में बाय।